नमस्कार जैन साथियों, इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह को। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों के विषय में। तो भारत में कुल कितने राज्य थे? 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित राज्य थे। कुल मिलाकर 36 यूनिट थी। और जम्मू और कश्मीर जो यूटी थे, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में इसको घोषित किया गया केंद्र शासित प्रदेश। और कहने का मतलब जो बहुत सारे प्रश्न थे हम लोगों ने यहाँ से समझे थे भारत से रिलेटेड। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह को। तो आइए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह की। तो दोस्तों, भारत में आप देख रहे हैं मैप है भारत का, और इस मैप में ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। कहने का मीन्स बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे क्या है, द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। और नीचे हम सब लोग जानते हैं, नीचे हमारा क्या है, इंडियन ओशियन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। आपको पता है भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तटीय हैं, और भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो उसकी लंबाई, मुख्य समुद्र तट सीमा की लंबाई जो क्या है, 6100 किलोमीटर। जबकि जितने भी द्वीप समूह उनका भी अगर समुद्र तट की रेखा को जोड़ा जाए तो 7516 किलोमीटर क्षेत्र में हमारे क्या है, समुद्र तट। और 9 राज्य किससे लगे हुए हैं? आपको पता है कि 9 राज्य हमारे समुद्र के किनारे लगे हैं। दूसरी तरफ आपका पश्चिम की ओर क्या है, भारत के अरब सागर है, अरेबियन सी है कहने का मतलब। और यहाँ पे बात की जाती है तो यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी की बात की तो टोटल अगर मिला, मतलब पूरे भारत में कितने आपके क्या द्वीप समूह है, तो 1256 द्वीप समूह है। टोटल द्वीप समूह की संख्या अगर जोड़ी जाए अरब सागर बे या बंगाल में, तो दोनों में 1256 द्वीप हैं। और अगर बात करें भारतीय द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया, एक अरब सागर के द्वीप और दूसरा आपका क्या है, और दूसरा आपके हैं बंगाल खाड़ी के द्वीप। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, बंगाल खाड़ी के द्वीप देखिए। सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हम भारत में द्वीप समूह को दो तरह से समझेंगे, एक बंगाल खाड़ी के द्वीपों की बात करेंगे, दूसरे अरब सागर के द्वीपों की बात करेंगे। ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है आपका। तो ये जो आपको छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा मैप में लेकर चलेंगे और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा खाली पेज पर चलते हैं, ये खाली पेज है। और यहाँ पे अगर बात करें केवल केवल हम केवल अंडमान का ही बात करें, तो अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका जो द्वीप है उसे बोलते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और यहीं पे आपका लगा हुआ है, आपको पता होगा म्यांमार। क्या लगा हुआ है? म्यांमार। और भारत के मध्य में जो द्वीप है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं म्यांमार। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भारत के मध्य, यानी यहाँ ये जो अंडमान का ये आपका जो द्वीप है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य में जो द्वीप है, द्वीप समूह है, उसे कहा जाता है कोको द्वीप या कोको चैनल। इसे इसे क्या कह सकते हैं, कोको चैनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोको चैनल। यदि आपसे पूछा जाए कोको चैनल किनके मध्य में है, तो दोस्तों याद रखना कोको चैनल हमारा किसके, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य में है। यहीं पर एक एक द्वीप समूह जिसे बोलते हैं लैंडफॉल, भारत के अंडमान का सबसे अंतिम जो द्वीप समूह है कहने का मतलब, उसे क्या बोलते हैं, लैंडफॉल। ध्यान रखना ये हमारा क्या है, लैंडफॉल। ठीक, इसके बाद ये जो आपका है ये मध्य अंडमान है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अंडमान को कितने भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, ये आपका दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, अंडमान। और यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों लिटिल अंडमान। तो अंडमान कितने, चार अंडमान है, लिटिल अंडमान। तो देखिए दोस्तों चार अंडमान कौन कौन से हमारे हैं, और यहां से आपका शुरू हो जाएगा कार निकोबार, कार
निकोबार। कार निकोबार। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे। उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान और फिर कार निकोबार। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है सबसे ऊंची जिसे बोलते हैं सैडल पीक। दोस्तों याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है, इसकी 732 मीटर क्या है ऊंचाई है। दोस्तों याद रखना है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक। और ये है मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान पर माउंट डियो वैली। दोस्तों याद रखना माउंट डियो वैली, माउंट डियो वैली किसकी ऊंची चोटी है, ये आपकी मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियो वैली। याद रखना दोस्तों माउंट डियो वैली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, और जबकि सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अंडमान में एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट डियोगो, माउंट डियोगो। तो माउंट डियोगो ये किसकी ऊंची चोटी है, तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर एक और चोटी है दक्षिणी अंडमान में, माउंट मणिपुर, मणिपुर, माउंट मणिपुर किसकी ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मणिपुर। और यदि बात करें माउंट, कह सकते हैं दोस्तों माउंट जो मणिपुर है ये किसकी, इसको माउंट हैरियर भी बोलते हैं, इसका नाम माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, हैरियट। दोस्तों याद रखना, तो कौन कौन सी चोटी, उत्तरी अंडमान की सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है माउंट डियो वैली, और दक्षिणी अंडमान में दो चोटियां हैं माउंट डियोगो और माउंट हैरियट या माउंट मणिपुर कह सकते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए इन चोटियों की, तो सबसे खास बात क्या है, भारत सॉरी अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होगा ये दक्षिणी अंडमान पर है। कहां पर है, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो ये दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों याद रखना दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी, एक ये बात। अब दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए, यहां पर एक पास है जिसको बोलते हैं डंकन पास। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डंकन पास, डंकन पास इसके मध्य है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि डंकन पास किसके मध्य अवस्थित है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो पास है उसको बोलते हैं डंकन पास। कोको चैनल की बात करें, तो कोको चैनल किसके मध्य, म्यांमार और भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य में जो चैनल है उसको बोलते हैं आपका कोको चैनल। यहीं पर कोको चैनल के पास में भारत का जो द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप समूह, तो ये आपको देखने मिलता है लैंडफॉल, याद रखना दोस्तों लैंडफॉल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, याद रखना लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो कोको द्वीप या कोको चैनल के पास में स्थित जो भारत का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। भारत का उत्तरतम द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल द्वीप, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का उत्तरतम द्वीप कौन सा है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है, आपको याद रखना है वैरन ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी। दोस्तों याद रखना बैरन ज्वालामुखी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी।
वैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या बोलते हैं उसको, वैरन ज्वालामुखी, याद रखना है। भारत का एक मतलब कह सकते हैं भारत का एक प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, तो नारकुंडम, नाम याद रखना, नारकुंडम भारत का प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकुंडम ये भारत का, ये दोनों अंडमान निकोबार पर है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कैसा, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भारत के, तो भारत के दो ज्वालामुखी हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन ज्वालामुखी, और भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, कौन सा है, नारकोंडम है, ये याद रखना। हमने अंडमान निकोबार पर कौन कौन से द्वीप समूह, मुख्य द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये अंडमान इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। ठीक, डंकन पास की बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो एक पास है उसको बोलते हैं डंकन पास, तो ये याद रखना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। आपसे प्रश्न पूछा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान यानी द्वीप समूह पर स्थित है ये राजधानी है, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की राजधानी का क्या नाम है आपको याद रखना है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है। यदि बात करें और इसकी अगर नीचे की बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, और यहाँ पे थोड़ी जगह कम दिख रही है, आइए मैप में थोड़ा बना देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर बहुत छोटा सा दिया है, आपको थोड़ा हम यहाँ बना के दिखाते हैं। मान लो सपोज दैट ये हमारे ये चार क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान ये अंडमान द्वीप है आपका, और नीचे आपका यहां से शुरू हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा क्वेश्चन ये है, हमने अभी बताया था ये आपका उत्तरी अंडमान है अंडमान, और ये वाला आपका मिडिल अंडमान, मिडिल मिडिल अंडमान, और ये आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान अंडमान, और ये आपका था लिटिल अंडमान। यहां तक बात तो हम लोग समझ के आए, लिटिल अंडमान। अब चूंकि प्रश्न को नीचे हैंडल करना है तो इसलिए हम लोग नीचे मैप में देखेंगे। अब देखो नीचे की ओर क्या है, अब ये जो आपका जो निकोबार है, तो इसमें निकोबार में ये कार निकोबार है, क्या है, कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक, और इसके नीचे आपका क्या है, ये आपका लिटिल अंडमान है, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक, याद रहेगा दोस्तों। देखो निकोबार में तीन निकोबार याद रखो, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ये क्या है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। अब यहां से प्रश्न हमारा क्या है वो मैं थोड़ा समझना है, तो देखिए कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य में एक चैनल है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर जो चैनल है इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, याद रखना दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किन द्वीप के मध्य में है, तो यहां पर याद रखें 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल की यदि बात करें तो लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान हुआ कार निकोबार, कार निकोबार के मध्य, देखो देखो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल, काफी एग्जाम में कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूह के मध्य में, लिटिल अंडमान को हम लोग अंडमान भी बोलते हैं, तो अंडमान निकोबार के मध्य में याद रखना, अंडमान व निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है ये भी याद रखना, तो 10 डिग्री चैनल, आपसे एग्जाम में पूछा जाए अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो आपको सीधी बात याद रखनी है, हमारा अंडमान निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है, या इसी को बोल सकते हैं लिटिल अंडमान,
और कार निकोबार, क्योंकि अंडमान का सबसे अंतिम में क्या है, कार निकोबार, और इसकी शुरुआत कार निकोबार का लिटिल अंडमान, मतलब ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार, तो इनके मध्य में जो हमारा चैनल है उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। बात यहाँ तक समझ में आई हो, क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, तो हम यहाँ पर ये बात समझे। अब दोस्तों हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि एक जो चैनल है जिसे बोलते हैं महान चैनल या ग्रेट चैनल इसे कहा जाता है, ये किसके मध्य में, महान चैनल या ग्रेट चैनल ये आपका है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया, और किसके मध्य में, तो निकोबार के मध्य में, वहां निकोबार के मध्य, या ये बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार निकोबार के मध्य में, यानी इंडोनेशिया कार निकोबार के मध्य में महान चैनल, या भारत इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा चैनल है, ये बात याद रखनी है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य में जो चैनल है उसे कहा जाता है ग्रेट या महान चैनल, क्या कहा जाता है, ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये कहा जाता है आपका इंडोनेशिया और भारत के मध्य में जो चैनल है उसको कहा जाता है महान चैनल। ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, 10 डिग्री समझ में आएगा। कोको चैनल किसके मध्य में है, तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में जो चैनल है उसको कहा जाता है आपका कोको चैनल। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हुई, अब आ जाइए अब यहां थोड़ी बात कर लेते हैं लक्षद्वीप में जो चैनल है, ये मालदीप है और ये वाला मिनिका है। लक्षद्वीप में आप जानते हो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, कितने 36 द्वीप हैं, और जिस पर मतलब मानव कितने लगभग 11 द्वीपों पर मानव बस्तियां हैं, मानव लोग मतलब मनुष्य रहता है 11 पर, ये कोई खास बात नहीं है लेकिन आपके जानकारी के लिए। अब जैसे हमने बताया था बंगाल की खाड़ी में कितने 572 चैनल है, सॉरी 572 द्वीप है, 572 द्वीप, 572 द्वीप कहाँ है, यानी टोटल हमने बताया थे 1256 और यहाँ पर कितने थे, तो 572 द्वीप, इधर 36 द्वीप हैं आपके, ये लक्षद्वीप है। आप लक्षद्वीप की राजधानी आपको पता होगी कवरत्ती, कवरत्ती, कवरत्ती किसकी राजधानी है दोस्तों, याद रखना लक्षद्वीप के। देखो यहाँ पे दो चैनल याद रखना है आपको बड़े अच्छे से, एक 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में है दोस्तों याद रखना है, ये 8 डिग्री आपका मालदीप, मालदीप क्या है, देश है मालदीप, वह मिनिका है, मिनिका है अपना लक्षद्वीप का एक मतलब द्वीप है, मिनिका है, उसके मध्य में जो चैनल स्थित है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये वाला जो हमने लाइन खींची है 8 डिग्री चैनल की है, किसकी है, 8 डिग्री चैनल की है। ठीक, इसके ऊपर आपका ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक चैनल है जिसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों याद रखना 9 डिग्री चैनल, देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनिकाय के मध्य में, मिनिकाय द्वीप के मध्य में, मिनिकाय द्वीप के मध्य में आपको याद रखना है। देखो 8 डिग्री में मालदीप एक देश है, छोटा सा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीप। ठीक, ये 8 डिग्री चैनल साझा करता है मिनिकाय के साथ, तो लक्षद्वीप और नहीं मालदीप और मिनिकाय के मध्य में 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य, तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। और आपको पता है लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है, क्या पाई जाती है दोस्तों, प्रवाल भित्ति, मूंगा चट्टान, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं लक्षद्वीप में, प्रवाल भित्तियां, तो समुद्र तट का ये एरिया जैव विविधता से संपन्न है लक्षद्वीप आपका, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, मूंगे की चट्टाने, हम बोल सकते हैं मूंगे की चट्टाने कहाँ स्थित है आपको याद रखना है, मूंगे की चट्टाने कहाँ पाई जाती है, तो लक्षद्वीप में मूंगे की चट्टाने, दोस्तों याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ देखने मिलती है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप में मिलती है। अब देखिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख रहे हो ये महाराष्ट्र है, ये अगर एरिया देखा जाए तो महाराष्ट्र का एरिया आ जाएगा,
और यहाँ पे एक शहर है जिसे बोलते हैं क्या, साल एक द्वीप है जिसे बोलते हैं सालसेट द्वीप। तो दोस्तों याद रखिए, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपकी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। ये किस द्वीप पर बसी हुई है? तो याद रखना सालसेट द्वीप पर। कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सालसेट द्वीप पर भारत की कौन सी राजधानी बसी है। तो यहाँ पर जो बसी राजधानी है वो मुंबई है और सालसेट द्वीप पर। ठीक, ये बात आपको आपको पता है। ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी या रन ऑफ कच्छ से कहा जाता है, और कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। कहाँ पर है याद रखो, पश्चिमी गुजरात में है। पश्चिमी गुजरात में कच्छ की खाड़ी पाई जाती है, गुजरात, पश्चिमी गुजरात में कौन सी खाड़ी पाई जाती है? तो कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर दो, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, आपको पता होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा नक्शे में चलो, थोड़ी देर के लिए थोड़ा नक्शा बना है। ये भारत का थोड़ा डायग्राम देखो, कच्छ की खाड़ी अगर बात करें तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियां आकर यहाँ गिरती हैं, और यहीं पर दो द्वीप समूह जिसे बोलते हैं खादिया बेट, आलिया बेट द्वीप समूह कहाँ है, और आलिया बेट। ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आलिया बेट और खादिया बेट, ये दो द्वीप हैं, खालिया बेट और आलिया बेट। इन नर्मदा और ताप्ती के जो मुहाने हैं, ये आपकी नर्मदा और ये ताप्ती, ये दोनों नदियां क्या बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए, एस्टुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये दोनों नदियां जहां गिरती हैं वहां पर जो कह सकते हैं जो द्वीप है उसे बोलते हैं खादिया बेट और आलिया बेट। केरल हमने लोगों ने सुना, ये केरल एरिया है। केरल में, केरल की राजधानी हम लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम, ये आपका क्या है? केरल है। और केरल में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। आपसे कई बार पूछा जाता है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप किस प्रदेश के पास है? तो 12 किलोमीटर ये आपका पड़ता है करीब समुद्र से, वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य में स्थित है। आपने सुना होगा यहाँ पर आपकी गंगा आकर बांग्लादेश में, इधर से ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है, और यहीं पर आपका जो डेल्टा बनता है बंगाल की खाड़ी में, जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा, ये सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर है, सुंदरबन का डेल्टा किन दो नदियों से मिलता है, मिलकर बनता है? तो आपको पता है गंगा और जमुना के मिलने से, या गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो आपको याद रखना सुंदरबन। और सबसे बात यहीं पे आपका, ये देखिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा, और यहां आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। हाँ भी बात की जाए उड़ीसा में कौन सा द्वीप, उड़ीसा में आपका कौन सा द्वीप है? ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं हेलर द्वीप, और हेलर द्वीप जो है यहाँ पर, यहाँ पर इसी द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, कलाम द्वीप। और यहां से क्या है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों का परीक्षण आपको याद रखना है, मिसाइलों का परीक्षण। मिसाइलों का परीक्षण कहां से किया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ये किया जाता है हेलर द्वीप उड़ीसा से, इसी को हम कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा में कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, याद रखना व्हीलर द्वीप किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका मतलब उड़ीसा में स्थित है। और साथ अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो खास बात है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में एक श्री हरिकोटा, याद रखना
श्री हरिकोटा द्वीप, ये कहाँ स्थित है तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है। और यहां से क्या प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो यहां से जो प्रक्षेपित किए जाते हैं इसरो का यहाँ पर क्या है, इसरो का संस्थान यहाँ पर है। और यहाँ पे उपग्रह या सैटेलाइट कह सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप से, और जहां पर इसरो की स्थापना है, यहाँ पर इसरो का संस्थान है श्री हरिकोटा में आंध्र प्रदेश में। याद रखना श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। जबकि उड़ीसा से ये व्हेलर द्वीप यहाँ पड़ता है उड़ीसा के पास में, और कलाम द्वीप भी बोलते हैं इसे। यहाँ से क्या मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती हैं। अगर यहीं पे बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं गंगा सागर द्वीप। ये गंगा सागर द्वीप कलकत्ता के पास में, मतलब बंगाल की खाड़ी के पास ये द्वीप है गंगा सागर द्वीप। और यहीं पे एक और द्वीप है जिसे बोलते हैं न्यू मूर द्वीप। तो दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल या कलकत्ता के पास स्थित है। गंगा सागर द्वीप कलकत्ता में है, और यहाँ पर कहा जाता है इस सागर में जो नहा लेता है वो सारे तीर्थों की यात्रा एक बार उसने कर ली, कहने का मतलब गंगा सागर नहाने के बाद। तो इनके विषय में तो गंगा सागर द्वीप है कहाँ, कलकत्ता में, और यहीं पास में स्थित है न्यू मूर द्वीप। याद रखना है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, तो ये याद रखना है ये भी कलकत्ता के पास में स्थित है। उड़ीसा में कौन सा व्हेलर द्वीप, और आंध्र प्रदेश में कौन सा श्री हरिकोटा द्वीप, और यहाँ पर इसरो का संस्थान है। व्हेलर द्वीप को हम कलाम द्वीप भी बोलते हैं, और यहाँ से आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ये बात हम लोगों ने जानी। वेलिंगटन द्वीप समझा। और 2019 में भारत सरकार ने, याद रखना दोस्तों 2019 में भारत सरकार ने तीन अंडमान निकोबार के द्वीप को मतलब नाम परिवर्तित किया, तो रॉस द्वीप का नाम रखा क्या, रॉस द्वीप। ये अंडमान निकोबार का द्वीप है रॉस द्वीप, याद रखना रॉस द्वीप। अगर बात करें तो रॉस द्वीप को नेता सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। इसका क्या नाम है तो याद रखो, इसको क्या कहा जाता है, नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। किसको, तो ये कहा जाता है रॉस द्वीप को। दूसरा नील द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो ये रखा गया शहीद द्वीप। इसका क्या नाम है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और तीसरा है व्हेलर द्वीप, व्हेलर द्वीप, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, इसे रखा गया कलाम द्वीप, कलाम द्वीप। व्हेलर द्वीप का क्या नाम रखा गया, तो कलाम द्वीप। तो तीन द्वीपों के नाम बदले गए हैं, रॉस द्वीप को नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना था, नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप, और हिलर द्वीप को क्या कहा गया, कलाम द्वीप। तो हमने काफी जो प्रश्न थे काफी अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया। आइए इन प्रश्नों को पुनः रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सही से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की जो भारत के प्रमुख मतलब क्या कह सकते हैं जो द्वीप हैं, तो टोटल द्वीपों की संख्या 1256 है, अरब सागर के द्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप। अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ये देखो, ये जो बात करें अरब सागर के द्वीप, बंगाल सागर के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, तो 8 डिग्री चैनल। अगर बात करें तो लक्षद्वीप में मालदीप मिनिकाय के मध्य में जो चैनल है उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। और फिर 10 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री चैनल की बात करें, तो लक्षद्वीप मिनिकाय के मध्य में जो चैनल है उसे बोलते हैं लक्षद्वीप मिनिकाय के मध्य में 9 डिग्री चैनल। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये बात तो हम लोग अच्छे से समझ गए, कच्छ गुजरात की खाड़ी कहाँ है, पश्चिम गुजरात में है, जबकि यहाँ पर खाड़िया सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, और अरब सागर ये क्षेत्र ही आपका। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई थी। और इसमें हम लोगों ने ये जाना था 10 डिग्री चैनल की बात की, तो हमने बताया अंडमान निकोबार चार में बटाया, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान, और फिर इसके बाद दक्षिणी अंडमान, और फिर आपका लिटिल अंडमान। तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। बात समझ रहे हो, अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। याद रखना अंडमान निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री, या ये पूछा जाए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। और अंतिम में क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की एक बात याद रखिए, यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो ये आपका है ग्रेट निकोबार पर। और यहां पर कितना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6:45, 6:45 मिनट से भारत की सीमा शुरू होती है निकोबार से।
ग्रेट निकोबार ये अंतिम स्थल है जो कि 2004 में ये मतलब जो ये अंतिम जो जगह है ये डूब गई थी सुनामी में। आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6° 45' पर, जबकि यहाँ पर कन्याकुमारी यहाँ पर आपका है और टाइप कैमोरी ने यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर शुरुआत होती है, यहाँ पर जो शुरुआत होती है 8° 8' और आपकी 4' से, तो 8° 4' से यहाँ शुरुआत होती है उत्तरी अक्षांश से लेकर 37° 37' 6' ये आपका क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। लेकिन हमने महान चैनल की यहाँ पर बात की थी, तो महान चैनल ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया और भारत के मध्य में जो चैनल है उसे बोलते हैं महान चैनल। 10° आप समझी गए हो। थोड़ा और आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार के बारे में बताया, क्या बताया, कोको द्वीप किसके मध्य में, तो भारत और म्यांमार के मध्य में कोको द्वीप या कोको चैनल है। ठीक, भारत का अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है। उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य में आपका कोको चैनल। फिर देखो सैडल पीक की अगर बात करें, सैडल पीक उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। मध्य अंडमान की बात करी, यहाँ पर माउंट डियोगो वैली सबसे ऊंची चोटी है। फिर दक्षिणी अंडमान में दो चोटियां आपको याद रखना है, माउंट डियोगो और माउंट मणिपुर, ये दो चोटियां। जबकि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी की बात की हम लोगों ने, कौन कौन से ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बैरन द्वीप पर। और एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी भारत का कौन सा है आपको याद रखना है, तो ये नारकोंडम है आपका, कौन सा है, नारकोंडम है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर क्या, दक्षिणी अंडमान पर स्थित राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, ये क्या है, कैपिटल है, ये याद रखना कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। ठीक, डंकन पास किसके मध्य में, तो याद रखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो पास है उसको बोलते हैं डंकन पास, क्या बोलते हैं, डंकन पास। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था आपका। फिर यहाँ पर हमने खादियाबेट, आदियाबेट कहाँ है, नर्मदा ताप्ती का मुहाना है, वही गुजरात के पूर्व में क्या है, खादियाबेट आदियाबेट ये स्थित है। ठीक, बेलीगटन आपको पता है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और हम लोग बताना भूल गए थोड़ा, ये श्रीलंका है आपका, और श्रीलंका ये आपका दक्षिणी पूर्वी आपका क्या है, तमिलनाडु है, और यहीं पे श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु के मध्य में खाड़ी है जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और यहीं पर क्या है दोस्तों, पंबन द्वीप है, याद रखना पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप की बात करें तो पंबन द्वीप के पास में कौन सा सेतु है आपको याद है, राम सेतु, याद रखना राम सेतु, और राम सेतु में ही क्या है, रामेश्वरम द्वीप है आपका, रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम एक पवित्र स्थान है किसका, भगवान राम का, जो राम सेतु पंबन द्वीप के पास में स्थित है, मन्नार की खाड़ी। तो याद रखना पंबन द्वीप बोले तो मन्नार की खाड़ी के पास में राम सेतु और रामेश्वरम, इसी को हम राम सेतु को एडम ब्रिज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज भी कहा जाता है, एडम ब्रिज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना एडम ब्रिज कहा जाता है राम सेतु को, ठीक इसी को कहा जाता है, राम सेतु को कहा जाता है। तो ये बात थोड़ा बताना भूल गए थे। एक और बात यहाँ पर थोड़ी सी अगर समझे तो समझ लेते हैं, देखिए यहीं पर पाक की खाड़ी है, तो भारत श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी, तो दोस्तों याद रखना पाक की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, भारत श्रीलंका के मध्य में, भारत हुआ श्रीलंका के मध्य में कौन सी खाड़ी है, तो याद रखना है आपको ये हमारी जो खाड़ी है ये स्थित है आपकी पाक की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के मध्य में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उड़ीसा में एक द्वीप हमने बताया हुलर द्वीप, कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, और यहीं से मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती है भारत की। ठीक, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा द्वीप है जहाँ इसरो का संस्थान है, और यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। प्रश्न कई बार यहाँ से पूछा जाता है सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाते हैं, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप से। गंगा सागर द्वीप क्या है, बंगाल कलकत्ता के पास में जो द्वीप है उसको बोलते हैं गंगा सागर द्वीप। न्यू मोर द्वीप का निर्माण गंगा की जो तलछट मिट्टी है कंकड़ पत्थर से हुआ है न्यू मोर द्वीप, तो ये भी आपके कलकत्ता के पास में स्थित है। यहाँ पर हमने और क्या बात की थी, तीन नए द्वीप भारत ने घोषित किए उनके नाम परिवर्तित किए, राज द्वीप का नेता सुभाष चंद्र बोस रखा गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, और कलाम द्वीप को हम क्या बोलते हैं, व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमारे थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।